पर नज़र नहीं लगेगा मेरी बाइक को, हर जगह से उसमें एक एक खरोच आ गई है। 3.5 घंटे 100 किलोमीटर के, जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है। तो भैया हीटिंग हो गई, कोल्ड स्टार्ट हो गया, अपनी बाइक रेडी एक बार देखें। गुरु चल भी रहा है ना भाई? चल रहे हो तुम? चल रहे है। ट्रिप मीटर को करते हैं 0। ये वीडियो कब मैं अपलोड करूँगा आई डोंट नो, बट फॉर रेफरेंस अभी है अक्टूबर 26 है आज। पहली राइड बिगिंस, पहली लॉन्ग राइड। अब नारकंडा जाएंगे, बुकिंग वहीं करेंगे, मैंने बुकिंग नहीं करी है, ऑफ सीजन है, होपफुली मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब आई वॉन्ट टू कीप दिस एज रॉ एज पॉसिबल फॉर माई सेल्फ, सो वहीं जाके होटल ढूंढेंगे। पीछे सनराइज हो चुका है बट हम इसको सनराइज ही मान के इंजॉय करेंगे। हेलो, सुबह 7 बजे ही अगर इतना तुम निकल गए हो बाबू, तो दिन में क्या करोगे आप हमारा? राइट यार, मेरे को ना अगली बार होल्डर लगाना पड़ेगा जीपीएस का। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू राइड, ये हर 2 मिनट में मेरे को नीचे देखना पड़ता है, इट्स नॉट सेफ। वाह यार, पेड़ों के बीच से देखो छन छन के धूप आ रही है, ऑसम है ना। देखो यार, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, सो रही है यार वो। हाउ क्यूट बट हाउ डेंजरस यार, इनको शुड बता तो देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये सो रही है। जय हिंद। जनकपुरी क्रॉस करा पीछे मैंने अभी, एंड ये नया फ्लाईओवर बना है, सामने जीडी कनाल सीधा आएगा। इस रोड पे आए हुए मेरे को शायद 10 साल तो हो चुके होंगे, तब इस रोड ये नहीं था, नीचे से जाते थे, जाम भाई, जो जाम लगता था, जो जाम लगता था। और अब रिसेंटली क्या, हिमाचल तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन गुड़गांव से हिमाचल जाते हैं तो यार वो पेरिफेरल रोड या पेरिफेरल रोड ही बेसिकली, अब तो वही पकड़ते हैं। ये एरिया कभी देखना ही नहीं हुआ। अब बाइक वालों को तो कहीं पे अलाउड है नहीं भाई, बाइक वालों को बोला गया आप सिर्फ भीड़ से जाओगे, आप भीड़ में ही सेफ हो, आप पेरिफेरल रोड एक्सप्रेस वे इन सब पर आप सेफ नहीं हो। हम लोगों को रूल नहीं सिखाएंगे, हम बाइक वालों को घुसना बंद कर देंगे। तो इस चक्कर में मैंने ये सड़क देखी आज, एंड वाह यार, इतना लंबा फ्लाईओवर बना दिया इन्होंने, पूरा का पूरा जाम कट कर दिया। इतनी अमेजिंग बातें मैं सोच रहा था कि वाह, मज़ा ही आ गया जीवन का। ये सामने देखो जाम आ गया इतने में। मधुबन मेरा दिखा नाचे रे, मधुबन मेरा दिखा नाचे रे, यहाँ से घुसाऊँ बाइक के नहीं घुसाऊँ रे। मधुबन एक्चुअली दिमाग में आ गया क्योंकि आगे मधुबन आ रहा है, एक इलाका बोर्ड पड़ा था मैंने मधुबन, तो तब से ये गाना चिपक गया मेरे मुंह पे। कट मिस कर दिया, क्या करें, मैंने कुछ काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। डिड नॉट वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट। क्या मैं उल्टा है, रॉन्ग साइड है? दिल्ली क्रॉस हो गया और टाइम हो गया है 8:30, तो 1.5 घंटा लगा हमको दिल्ली क्रॉस करने में। बहुत बड़ा है यार दिल्ली, बहुत बड़ा है। जलंधर पानीपत सीधा, अपने को पानीपत होते हुए जाना है। पानीपत है अभी 68 किलोमीटर यहाँ से। सो यार फाइनली अब बाइक पेस पकड़ चुकी है तो मज़ा आ रहा है। मैंने अभी रिसेंटली सीट को दोबारा चेंज करवाया था, चेंज तो क्या, उसको फिर से और ज़्यादा बेटर करवाया था। मैंने हाइट लोअरिंग किट भी लगाई है, जो आपकी उसकी आती है वे टू स्पीड वालों की, तो उससे भी अब बाइक की भी थोड़ी हाइट कम हो गई तो ठीक है, अब टच हो जाती है एक आध बार, बट दैट्स लाइक वेरी रेयर। तो मेरे लिए अब ये बाइक हैज़ बिकम परफेक्ट, हैंडल शॉर्ट हो गया, सीट शॉर्ट हो गया, हाइट शॉर्ट हो गई, एक ही चीज़ लगी रह गई है जो वो है लाइट। सो लाइट इस बार मैं करवा के नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो लास्ट मोमेंट था, लाइक आई टोल्ड यू, मुझे कल तक भी नहीं पता था मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। मेरे को बड़ी ये था कि दिन दिन की राइड है, मैं रात को तो ट्रैवल करूँगा नहीं, काम चल जाएगा। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम अब जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो मैं इसकी लाइट्स का भी कुछ तो करूंगा।
किट, बाकी ये हाइट वाला, हाइट रिड्यूसिंग किट, ये सीट को कैसे मैंने दोबारा से सही करवाया है, इन सब की मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। होपफुली मैं इस वीडियो के आने से पहले वो डाल चुका हूँ, नहीं डाल चुका हूँ तो बाद में डाल दूँगा, देखना यार, वो बहुत नॉलेजेबल है। और इसके साथ ही पहला टोल जो हम फ्री 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 में निकलेंगे, बड़ी खुशी होती है। मैं हर बार जब भी टोल क्रॉस करता हूँ एक बार ज़रूर इसको बोलता हूँ, अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए। अपने पहले 100 किलोमीटर पूरे, ये नाउ आई हैव अर्न द राइट फॉर अ ब्रेक। मज़ा आ गया यार, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही, जैसा मेरे को लग रहा था बाइक पे पहली बार निकल रहा हूँ शायद से, बोरियत हो रही, थकान हो रही, ना तो बोरियत हो रही है ना थकान हो रही है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। मौसम भी बढ़िया है, ठंडक है, मज़ा आ रहा है। अपने हो गए 120 किलोमीटर पूरे, अब मैं सोच रहा हूँ एक ब्रेक ले ही लेते हैं, अब तो भाई मेरे को वॉशरूम यूज़ करना ही करना है, तो ये झटके लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, दुख दे रहे हैं मेरे को, तकलीफ दे रहे हैं। ऑलमोस्ट पानीपत आ गया, पानीपत के लिए हमें लेफ्ट लेना है 4 किलोमीटर, मतलब बॉर्डर तो पहुँच ही गया पानीपत का, तो अब अम्बाला की तरफ जा रहे हैं हम। पानीपत छोड़ गया, चंडीगढ़ भी इसी रोड पर 150 किलोमीटर आ गया। अब ढाबा नहीं आ रहा, देखो जब रुकना नहीं था तब ढाबे ही ढाबे आ रहे थे, बड़े बड़े ढाबे सारे, हवेली, मन्नत, जन्नत, ये वो। अब खाना खाना है तो एक ढाबा नहीं मिल रहा। एक और बड़ा टोल आ गया, जिस वजह से हम क्या करेंगे हम निकलेंगे फ्री में गोली की तरह। फाइनली भाई एक ढाबा दिखा है, तिरंगा ढाबा। देखे यार बाइक बहुत दूर खड़ी होएगी, यहाँ पे नहीं रख सकता मैं, आई टोल्ड यू ना सामान रहेगा तो बाइक इतनी दूर तो नहीं लगा सकता। एंड गेस व्हाट, हमारे 150 किलोमीटर भी पूरे हो गए। इसी के साथ आ गया हमारा तीसरा टोल, फ्री 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 ठीक है, नीलकंत स्टार। आई जस्ट होप बाइक की पार्किंग थोड़ी ठीक ठाक होए। अरे वाह, परफेक्ट, छाँव की छाँव दिखेगी नहीं बस मेरे को। दोस्त ये लगा के जाऊंगा मैं, बैग का ध्यान रखना, यहाँ रहने देना, मैं तो ध्यान रखूंगा कि यहाँ दिखेगा। तो ये नीलकंठ स्टार ढाबा, अच्छा है, हाइजीनिक सा है, बाहर बढ़िया पार्किंग है, एंड काफी बड़ा है। गोप्रो चार्ज हो रहा है, पनीर पराठा ना, ठीक है, थैंक यू। ना पनीर पराठा आ गया, इनके एक बात अच्छी लगी मेरे को, ये चाय लेकर आई, मैंने बोला मुझे कड़क चाय चाहिए, तो चाय लेकर उन्होंने इतनी बड़ी ग्लास में, और सर ये ठीक लग रहा है आपको? मुझे यार कलर थोड़ा हल्का लग रहा है, थोड़ा डार्क ब्राउन पीता हूँ मैं, मुझे बोला एक चम्मच आप चख लो, चम्मच से चखा, यार नहीं यार ये थोड़ा और कड़क चाहिए, वो ले गया आपको कड़क बना कर लाया, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है बता दीजिए अब सही लग रही है दोस्त, ओके चम्मच एंड चाय, हाँ ये सही है, बस चीनी चाहिए मेरे को, हाँ बस दोस्त, थैंक्स। किसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है सर, थैंक यू भैया, धन्यवाद। विद अ स्माइल रख के गया, ठीक है सर, गुड यार, आई एम कमिंग बैक यार फॉर श्योर। म्यूजिक मत चला रहा था, एप्पल बोल रहा है 6 hours and 53 minutes, एंड्रॉइड बोल रहा है 7 hours and 17 minutes। आईफोन का कुछ तो पंगा है यार, वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है यहाँ रखने पे, और उसकी बैटरी ऐसे ड्रेन हो जाती है। अब वो मेरा मेन डिवाइस है तो उसको तो हम भैया कुछ होने नहीं दे सकते, तो मैं ये स्पेयर लाया था तो उसके इंटरनेट से इसको कनेक्ट किया एंड इस पे मैंने लगा दिया अपना मैप। ट्रक लेन, बस लेन, कार लेन, जीप लेन, नो बाइक लेन, तो
तुम भाई जा मन करे दौड़ाओ, ऐसे पीछे आया था। गाड़ी की स्पीड इतनी, बस की स्पीड इतनी, बाइक जो मन करे चलाओ, बाइक वालों को कोई नहीं रोकता टोकता भाई। मस्त बैठा हुआ है यार। ये स्कूटी पे ही कर सकते हो आप, बाइक पे नहीं कर सकते भाई। थोड़ी छांव मिली है तो ज़रा ब्रेक ले लिया जाए, एक छोटा सा ब्रेक। तो क्या 5 मिनट खड़ा होऊंगा बस यहाँ पे मैं। 100 किलोमीटर और हो गए हमारे सिंस ब्रेकफास्ट स्टॉप। और 4 या 5 चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। भाई आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे को दिख गया छोटे छोटे से पहाड़। एंड सडनली मेरे चेहरे पे आ गया एक वाइड स्माइल, वाइड। अभी बताओ, हम बस परसों मैं आया हूँ 4 दिन के ट्रिप्स के बाद फ्रॉम उत्तराखंड। एंड 1 दिन के गैप के साथ हम पहुंच गए हिमाचल। लाइफ इज गुड। टोल नंबर 6 आई गेस। यार ये वो टोल है जिसके बाद की दुनिया सुंदर हो जाती है। इस टोल का वेट कर रहा था मैं इतनी देर से, ये वाला कब आएगा। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिमालयन एक्सप्रेस वे, द एक्सप्रेस वे टू द हिमालय। पंचकुला आ गए हम। क्या मस्त है ना यार, पंचकुला वालों की तो अलग ही लाइफ है। जब मन करे उठ के चल दो, खड़ों के सामने देखो वो देखो हिमालय से पहाड़ शुरू हो गए मामू। मजा आ गया भाई, फाइनली माय मेडन ट्रिप ऑन माय बाइक टू द हिमालयस, अ माइलस्टोन अचीव्ड। नेहा आई एम मिसिंग यू, विश तू भी आ पाती यार, मज़ा आता। ट्रिप का मज़ा आधा है विदाउट माय पार्टनर इन क्राइम। कब से मतलब बहुत टाइम से इच्छा थी यार कि एक तो बाइक लूँ मैं दोबारा, तो बाइक ली मैंने एंड बाइक को मैंने हिमालय पहुंचा भी दिया। हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी। 304 किलोमीटर हो गए हैं। सो मोटा मोटा मान के चलो कि गुड़गांव से 300 किलोमीटर पे आपको दर्शन हो जाएंगे हिमालय के, हिमाचल के साइड से। वाह यार मस्त बना रखा है। क्या ये 50 यार पढ़ नहीं पाया दोस्त, बट बनाया बहुत अच्छा है। तो शुरू हुई पहाड़ी और हर जगह मेरे को ऐसे पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं, हर जगह जो साइड किया गया है भाई साहब। एकदम साबुत सड़कें होती थी, एकदम मस्त, हर जगह पत्थर टूटे पड़े, मिट्टी हो गई भाई। भाई लीन वीन करने में इतना मजा आ रहा है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। ये फुल्ली, ओ भाई टच हो गई, ओ पैस की आग, साइलेंसर टच हो गया। होली मोली, एंड दैट वाज स्कैरी। मैंने लाइफ में पहली बार इतना लीन किया है किसी भी बाइक को। इस साइड की तो घिस रखी है, राइट वाली गिर गई थी जब टायर चेंज करवाया था, जिसके बाद मैंने अल्टीमेटली, और ये दूसरी साइड की घिस गई लीन होने में, बट नज़र नहीं लगी मेरी बाइक को, हर जगह से उसमें एक एक खरोच आ गई है। ओ पूरी लिटा सकता हूँ बट ये लिटा नहीं देगा अब तो। आई हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक आफ्टर ऑल।
अरे 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 छोटे, अरे छोटे ध्यान से, खड़े को दिखाता हूँ, खड़े के भी नहीं दिख रहा, आते हुए दिखेगा। बीच पे एक एरिया है, सड़क गायब है, साइकिल ही आ सकती है वहाँ से। बहुत सैड है यार ये, बहुत सैड। कितने ज़मानों में जाके डेवलपमेंट होती है, इतना मुश्किल है इन एरियाज में तो डेवलपमेंट करना भी इतना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि हिमालय इज स्टिल हियर, वी कैन स्टिल एंजॉय देम एंड फील इट्स वार्मथ। हिमालय आ गए यार, बट फील ही नहीं रहा कि हिमालय आए हैं। इतना ज़्यादा भीड़ है, इतनी चौड़ी सड़कें, पूरे पूरे मार्केट, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो मेरा पर्पस यही है कि नारकंडा जाने का रीज़न ही है कि यार शिमला तक ना ये ऐसा ही रहेगा, पहाड़ में आके भी वो पहाड़ों वाली वाइब नहीं आएगी। मेरे को सिर्फ पतली सड़कें हैं, एक तरफ खाई और एक तरफ जंगल पहाड़ों का, वो है पहाड़ों वाली ड्राइव। तो लेट्स सी कितनी देर और चलता है ये हाईवे, कि चलाने में मज़ा आ रहा है। एक साइड की गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव कम हियर फॉर। तब थोड़ी हवा ठंडी होने लगी है। मैंने तो ये पहना है, ये मेरा समर जैकेट है, फुल वेंटिलेशन वाला। जैसे ये देखो परछाई आई, ऐसी सुरसुरी हो रही है अंदर, सुरसुरी क्योंकि वेंट में से हवा घुस रही है। जैसे वेंटिलेटेड सीट नहीं ठंडा करता गाड़ी का, हल्की सुरसुराहट के साथ एकदम सेम टू सेम। तो अभी अपने बचे हैं 106 किलोमीटर और उसके दिखा रहा 3.5 घंटे, 3.5 घंटे 100 किलोमीटर के, पहाड़ों के किलोमीटर है भाई, पहाड़ों के किलोमीटर। हर जगह देखो ये इन्होंने समेट समेट कैसे रखे हुए हैं, बहुत टाइम लगने वाला है यार इसको दोबारा सेट करने में, पूरे पूरे पहाड़ टूट गए। मैं कोई भूख नहीं लग रही, बट सोच रहा एक ब्रेक ले ही लूँ। डिस्टेंस हमारा बिलो 100 आ चुका है, 93 किलोमीटर रह गए हैं। जैसे 100 के नीचे आता है ना, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी जा रहा है किलोमीटर। 93 रह गए हैं, मन कर रहा है खींच ही ले, फिर लग रहा है यार क्या है करना है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, कोई अच्छा सा स्पॉट देख के थोड़ा बैठते हैं, मैगी एंजॉय करेंगे कहीं पे, थोड़ा कॉल वॉल करेंगे लोगों को, घर वालों को ज़रा हेलो हाय कर लें। वैष्णो ढाबा, देख रहे हो मस्त है ना इसका व्यू। देखो गंदगी देखो, चल भाई प्यारे। मस्त है। ओ वाह, तो यहीं बैठेंगे ना भाई, अंदर क्यों बैठेंगे? ओ डैम गॉर्जियस, ऑसम ऑसम। चलो अब जरा फोन वोन लगाए, मैगी खाएं गर्मा गर्म, मिलते थोड़ी देर बाद। और डन, टाइम हो गया भाई 3:50, पहुँचने में लगेंगे 2.5 घंटा। अब आने लग रही है थोड़ी थोड़ी पहाड़ों वाली वाइब, एक तरफ आ गया जो मैं बोल रहा था, एक तरफ पहाड़ विद जंगल एंड दूसरा तरफ ओपन। अब आएगा मज़ा, इसी का वेट कर रहा था मैं। देख रहे हो ये आ गया ना फील, इसकी बात कर, देखो क्या मस्त मस्त व्यू। फाइनली नारकंडा, 71 किलोमीटर्स, पहली बार नारकंडा का बोर्ड दिखा है भाई, अभी भी 71 किलोमीटर्स है। पहाड़ों वाली वाइब आ रही है, हाईवे वाली वाइब नहीं आ रही अब। देखो बहुत ही सुंदर है,
वाओ मैन, एक तरफ नज़ारे, सामने सुंदर सड़क, क्या देखें और क्या ना देखें समझ नहीं आ रहा, सब देखना है मेरे को सब। शिमला में आपका स्वागत है एंड हम पहुंच गए हैं शिमला। टाइम हो रहा है 6:18, नहीं 6 नहीं 4:18 अरे हो गए हैं ऑलमोस्ट 396। अब जैकेट निकालनी पड़ेगी एक जगह देख के ना, जैकेट निकालते हैं, जैकेट निकाले। और लाइनर्स भी पहन ले, देखो हाथ ऐसे हुआ है ठंड से। भाई ये गैजेट्स के चक्कर में हर जगह लेट हो गया मेरे को, जहाँ भी रुक रहा हूँ। 5 मिनट के लिए रुका था बस जैकेट निकालने के लिए, इतने में भाई यहाँ पे गोप्रो डाउन हो गया और दूसरा मोबाइल भी डाउन हो गया। नाना करते हुए पूरा सेटअप करते हुए कम से कम नहीं तो 20 मिनट गए मेरे यहाँ पे खड़े खड़े, बेशकीमती 20 मिनट दिन के रोशनी के। सीख रहे हैं, ना सीखे हैं हम अभी, धीरे धीरे प्रो होएंगे। बट भाई ये जैकेट पहन के ना शांति आई, एकदम उंगलियां ठंडी हो गई थी, चेस्ट में बहुत ठंड लग रही थी, एकदम बढ़िया हो गया, कोजी हो गया। तो गोल्डन लाइट आ गई है, अंधेरा हो जाएगा कभी भी, अपने को 1.5 घंटा और लगेगा। सुंदर, और क्या बोलूँगा, सनसेट हो रहा है कहीं पे, उसकी रोशनी आ रही, देखो इस पर। वी आर इन कुफरी नाउ, क्या नज़ारा है, इसी के लिए तो आए। चांद, ऑरेंज पहाड़, सनसेट का माहौल, सुंदर है, बहुत सुंदर। अब ना मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है एंड बैक में दर्द हो रहा है, आदत नहीं है इतनी लंबी चलाने की, आदत क्या कभी चलाई नहीं है इतनी लंबी आज तक। बैक में काफ़ी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भाई लेटा दो मेरे को, बैठ दो, थोड़ी कमर सीधी करूँ मैं उसमें लेट के। जब तक रोशनी है थोड़ा कैप्चर कर लूँ मैं इस व्यू को, एक बार अंधेरा हो गया तो फिर तो बंद कर दूँगा एंड देन सीधा होटल में पहुँच कर आराम करेंगे। अभी हमने क्रॉस किया थियोग एंड थियोग के बाद ये रास्ता देखो कितना सुंदर है यार, मेस्मराइजिंग। व्लॉग मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या काटे और क्या रखे, सब कुछ ही रखने लायक है यार, कुछ मन ही नहीं करता काटने का, लगता है ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, ये भी देखने लायक था, ये भी देखने लायक था। मैं चुपचाप बैठा हूँ कि आप लोग एंजॉय करो भाई, इसको बोलने का है ही नहीं, तो सिर्फ देखने का है। अभी रह गया है 50 मिनट और, होटल ढूंढते पहुँच के, होटल में पहुँच के आपको एक बार दुआ सलाम करते हैं। मैंने कहा फाइनल कैप्चर कर ही ले, सूर्यास्त हो चुका है
अंधेरा हो चुका है, जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है। सो अंधेरे में चलानी पड़ रही है और आप देख सकते हो कि यार अपने हेडलाइट में दम तो है नहीं, मिनिमल दिख रहा है। एंड उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सामने से जो भी गाड़ियाँ आ रही है सब हाई बीम पे आ रही है और मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है उसमें स्क्रैचेस हैं, तो उसमें ना लाइट ऐसे स्कैटर हो रही है तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है लाइट से। ये तो फिर भी चल जाएगा, काम इतना है जितना। अरे भाई हाई बीम अंधा कर दिया उसने, सड़क ही नहीं दिखी मेरे को। मैंने सोचा सोने से पहले अपडेट देखो, तो भाई एक तो बहुत ठंड लगी, सारी उंगलियाँ जम गई थी, एंड दूसरा लास्ट का एक घंटा वो अंधेरा, और मेरी बाइक में OEM वाले लाइट है, बहुत ही घटिया लाइट है। बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ मैं ऐसे रास्ते को नॉन स्टॉप घूरता हुआ। फाइनली मेरे को आखिरी के 20 मिनट मैंने एक स्विफ्ट वाला उसने मेरे को क्रॉस करा और मैंने उसके पीछे गाड़ी लगा ली, उसके पीछे 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 पीछे। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा हौले हौले बोल रहा हूँ। ये है कुछ व्यू मेरे बेड का, यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड दे दिया है, यहाँ पे मेरा सामान पड़ा, कुछ सामान वहाँ पड़ा, एंड वॉटल्स वॉटल्स, ये मेरा चश्मा चश्मा होल्डर। सो दैट्स दैट, विद दैट लेट्स एंड इट हियर, मोर टू कम, टेक केयर, बाय बाय।